मेरे प्रधानमंत्री जिस कद के जिस रुतबे जिस तजुर्बे से वो आते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर है, हमारे राष्ट्र के नेता है वो। आप हमारे राष्ट्र के नेता के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उनको लगता है कि उन्होंने गाली नहीं दी, ये बात भी सही है। तो ये टिप्पणी और गाली में फर्क होता है। ऐसे में दूसरे नेताओं ने क्या कहा, उनको कोट कर मेरी बहनें एक मां बहन के बारे में दी गई गालियों को जस्टिफाई कर रही है। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की परंपरा को लालू परिवार के सदस्य अपनाने का कार्य कर रहे हैं। पर हां, इससे पुनः वो जंगल राज जरूर याद आता है जिसका अनुभव हम सब ने हमारी पिछली पीढ़ी ने 80 के दशक का जन्म लिया हुआ हर वो लड़का हर वो लड़की जिसमें से मैं भी एक हूं वो 90 के दौर को कभी भूल नहीं सकता, जहां पे ऐसे ही मां बहन बेटियों को गाली दी जाती थी, जहां पर ऐसे ही सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित किया जाता था। आप लोग मुझे बताइए ना, आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत हो गई कि वो तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां बहन को गाली दे और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब मुझे बताइए उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा जब वो अपने गांव में जाएगा तो क्या उस गांव की महिलाओं के साथ वो अभद्र व्यवहार नहीं करेगा? क्योंकि जब चिराग पासवान के परिवार के बारे में बोलने से कुछ नहीं हुआ तो वो तो गांव की गरीब महिलाएं हैं, उनके साथ तो गलत से गलत व्यवहार भी हो जाए कौन कार्रवाई करेगा? आप ऐसी मानसिकता को बल देते हैं कवर अप करके, और ये राजद का कल्चर रहा है इस तरीके से हुड़दंगियों को दबंगइयों को इस तरीके से बढ़ावा देना, इन लोगों का कल्चर रहा। आओ बनाएं नया बिहार, युवा बिहार, चलो चले युवा बिहारी के साथ।